नहीं, वहाँ पर मैक्रो का नहीं, माइक्रो का अभी है। मैक्रो का हम वहाँ बना रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा हमें मिल रहे पेशेंट्स। तो माइक्रो में क्या? इसमें ये है कि जहाँ पर अगर हमें कहीं भी एरिया में 5 या 5 से ज़्यादा मरीज इकट्ठे एक ही उस पे पैक में मिल रहे हैं, तो हम वहाँ पर वो किस तरह से मुझे वो EOMC की ड्यूटी लगा दी है उपायुक्त महोदय की तरफ से, जो भी इनको राशनिंग की या दूध की या जैसे भी जरूरत पड़ेगी तो वो उनको प्रोवाइड कराएंगे। अभी आपने नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। इस समय हम मौजूद हैं कैथल के हुड्डा सेक्टर 20 में, जहां पर तहसीलदार मैडम पूरी मुस्तैदी के साथ कंटेनमेंट जोन बनवा रही हैं ताकि आप लोगों की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। सरकार ने बेशक से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है और शाम 6 बजे के बाद व्यावसायिक दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया हो, लेकिन उसके बाद भी अफसर पूरी मेहनत से आप लोगों की रक्षा करने के लिए उन तमाम एरियाज़ को और घरों को सील करने का काम कर रहे हैं ताकि जो कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं वो बाहर आकर समाज में और संक्रमण ना फैला सके। इस समय हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं तहसीलदार मैडम मिसेज सुदेश मेहरा। ये उनसे जानते हैं कि किस तरह से कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं और क्या व्यवस्था है। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। जी मैम, कितने कंटेनमेंट जोन बनाए हैं अभी तक? 4 बने हैं टोटल जी। क्या एलिजिबिलिटी है मैम कंटेनमेंट जोन अभी? इस बार हम बना रहे हैं मैक्रो कंटेनमेंट। उसमें ये है कि जहाँ पर अगर हमें कहीं भी एरिया में 5 या 5 से ज़्यादा मरीज इकट्ठे एक ही उस पे पैच में मिल रहे हैं, तो हम वहाँ पर जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उतना उसको कवर करके और वहाँ पर बैरिकेडिंग करवा रहे हैं जी। तो कितने एरिया को आप कवर करते हैं, कि गली को या घरों को, कैसे? वो एक बार मौके के हिसाब से ही देख रहे हैं। जैसे सपोजिटली अभी इससे ये है, हम सेक्टर 20 में खड़े हैं, तो यहाँ पर एक घर में 4 हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो लेकिन मैक्सिमम कवर हो जाए एरिया, तो हम यहाँ कम से कम 5 से 6 घर को कवर करवा देंगे ताकि वो जितने भी हैं, अगर आसपास में भी अगर कहीं किसी से भी मुलाकात हुई हो किसी की, तो वो चीज़ यहीं पर होके और कवर अप हो जाए। तो यहाँ कितने केसेस मिलने की सूचना है? अभी यहाँ 4 मिले हैं। तो क्या आसपास के लोगों का टेस्ट भी करवाया है या उनको कंटेनमेंट जोन में बस आपने एहतियात के तौर पर? ये टेस्टिंग के बारे में तो हेल्थ वाले बता सकते हैं, बाकी हमें तो जो अभी कंटेनमेंट के बारे में आदेश मिले थे तो उसके रिगार्डिंग हम काम। तो जिस तरह से बैरिकेडिंग है, यानी घर के लोग जो है वो बाहर नहीं जा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। तो फिर उनको जो जरूरी सामान है वो किस तरह से मुहैया वो EOMC की ड्यूटी लगा दी है उपायुक्त महोदय की तरफ से, जो भी इनको राशनिंग की या दूध की या जैसे भी जरूरत पड़ेगी तो वो उनको प्रोवाइड कराएंगे। अभी आपने जानकारी दी 4 मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पूरे जिले में बनाए? ये है सेक्टर 19 में है, 388 है और एक और है आई थिंक 341 हाउस नंबर, सेकेंड वन दिस है, एक फ्रेंड्स कॉलोनी गले नंबर 1 में है और एक और है 659 जी। तो जैसे आज 137 नए केस मिलने की सूचना है, तो वो भी किसी एरिया में रहते होंगे, तो आप वहाँ भी बनाएंगे कंटेनमेंट? नहीं, वहाँ पर मैक्रो का नहीं, माइक्रो का अभी है। मैक्रो का हम वहाँ बना रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा हमें मिल रहे पेशेंट्स। तो माइक्रो में क्या कंडीशन? माइक्रो में तो यही है कि उनको हाउस आइसोलेशन का ही है। कितनी माइक्रो कंटेनमेंट जोन? वो सारी डिटेल तो हेल्थ वालों के पास है, हमें मैक्रो के अभी मिले हुए आदेश, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो उस आप जैसे मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद बाकी जिम्मेवारी बाकी अधिकारियों की है, आप भी उसमें इंस्पेक्शन करने आती रहेंगी? नहीं, वो तो रूटीन में रहेगा, जैसे हेल्थ वालों का है, आयुष वाले भी आशा वर्कर है, वो रोज़ डेली इनके पास फ़ोन करके पूछते हैं कि इनका टेम्परेचर वगैरह है या कोई और इशू है, वो सारा का सारा हेल्थ का जो उनका काम है। और अगर क्योंकि ये तो सिर्फ 2 दिन से स्टार्ट हुआ है अभी कंटेनमेंट जोन का, तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो अगर खाने पीने की है, राशनिंग की है, वो EOMC कंप्लीट। तो कितने दिन के लिए है मैक्रो कंटेनमेंट जोन? ये 17 डेज का है। अच्छा, तो इस बीच अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए सिविल हॉस्पिटल में है सारा का सारा, वहाँ वार्ड बना हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर्स पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कोई और संदेश, जरूरी सूचना साझा करना चाहिए? वही है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो और जितना मैक्सिमम हो अपना होम रेमेडीज लो और अंदर रहो, जब तक जरूरी कोई ना हो जाए कोई ऐसा इशू तब तक घर में ही रहे। तो आपने देखा किस तरह से अभी शहर में मैक्रो कंटेनमेंट जोन्स और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनने शुरू हो गए हैं। तो यदि आपको भी खुलेआम सड़कों पर घूमना है तो जरूरी जो आदेश है उनकी पालना कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर वाले भी पॉजिटिव आएँ और आपको भी मैक्रो कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आना पड़े। ये थी खास पेशकश, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से अपने सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ।